सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, आप मौजूद हैं एसवी न्यूज पर। मैं हूं दीक्षांत। श्री राधा कृष्ण बड़ा मंदिर श्री वृंदावन धाम हिसार की तरफ से वार्षिक फागुन महोत्सव, फूलों की होली, सप्त रंग व 56 भोग भव्य दरबार, बांके बिहारी राधा रानी की 71 मीटर की मेहंदी चुन्नी लगाई जाएगी। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, चलिए जानते हैं पंडित जी से। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे कृष्ण जी, श्री राधे कृष्ण बड़ा मंदिर श्री वृंदावन धाम हिसार का 475वां प्रकाट्य उत्सव इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इस वर्ष 10 मार्च को श्री राधे कृष्ण बड़ा मंदिर का 475वां प्रकाट्य उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंदर विभिन्न राज्यों से गायक आ रहे हैं। ठाकुर जी के 56 भोग, प्रसाद भोग, पान भोग, फल भोग, सभी भोगों से ठाकुर जी का निमंत्रण किया जाएगा और सभी भक्त इस भक्त मेले के अंदर खूब अपनी मन्नतों के साथ आएंगे और अपनी मन्नतों को पूरा होने का भी ठाकुर जी को अपने वंदन करेंगे। हर वर्ष यह फागुन के अंदर मनाया जाता है यह उत्सव, और इससे उत्सव से पहले श्री ठाकुर जी के भोग और नारियल चढ़ाए जाते हैं जो कि वृंदावन जाते हैं। उसके बाद वहाँ से श्री ठाकुर जी की चुनरी, जो राधा रानी की चुनरी होती है, वो मंदिर में लगाई जाती है। इस बार यह चुन्नी 71 मीटर की चुन्नी लगाई जाएगी, जो कि जिस पर सभी अपने मन्नतों के धागे या अपने थापे, मेहंदी के थाप लगाए जाते हैं और जिससे उनके सभी मन्नतें पूरी होती हैं। इस वर्ष यह चुन्नी 7 तारीख को लगाई जाएगी, 71 मीटर की, 7 मार्च को, और 10 मार्च को ठाकुर जी का कीर्तन शुरू होगा। यह इस कीर्तन के अंदर राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से सभी भक्त आते हैं और भोजन प्रसाद और भंडारा ग्रहण करते हैं। उत्सव में खासियत यह थी कि रंग गुलाल अबीर खूब उड़ता है और ठाकुर जी के भक्त खूब सुबह 12 बजे से नाचना शुरू करते हैं, रात के 12 बजे तक ही नाचते रहते हैं। मंदिर के प्रांगण के अंदर जो विशेषताएं हैं वो भी बताना चाहूँगा। श्री ठाकुर जी के हिसार में स्थित इस मंदिर के प्रांगण की विशेषताएं श्री ठाकुर जी के वृंदावन से सभी मिलती जुलती हैं, या कि ये कहे जाए कि उसी वास्तु से निर्माण किया गया था। 475 वर्ष पहले जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया और ठाकुर जी के जो विग्रह हैं वो उसी पाषाण से बने हुए हैं जिनसे श्री बांके बिहारी जी के पाषाण हैं। ठाकुर जी के जिस ऊंचाई पे बैठे हैं, पताल की ऊंचाई से उसी ऊंचाई पे ठाकुर जी हिसार में विराजमान है, उसी वास्तु से विराजमान है। और तो आप ये देखिए कि वो मंदिर भी शहर के बीचों बीच है और ये मंदिर भी शहर के बीच में स्थित है। तो सभी और आप सभी से और प्रेस वार्ता के इस आज के दौर में मैं ये कहूँगा कि सभी से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी इस उत्सव में आएँ और खूब ठाकुर जी का आशीर्वाद लें और रंग जमाएं। श्री राधे कृष्ण जी। श्री राधे।